स्टेजेस इन एडॉप्शन प्रोसेस को अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट इज अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस जो स्टेज है, जैसे आपको पता चला शऊर, ठीक है, शऊर में उसको वो चीज, उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है उस चीज के बारे में, या उसने उसके बारे में पढ़ा होता है, या उसने उसको देखा होता है, या उसके बारे में सुना होता है कि हाँ ये चीज मौजूद है। कोई भी कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग, आपके पास सिर्फ उसके बारे में आपने सुना है या आपने उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके साथ उसको रिलेट करते हैं। जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्या है कि ये जो अवेयरनेस स्टेज है, उस इंडिविजुअल को उस चीज के बारे में सिर्फ पता होता है, ठीक है, मतलब उसकी जनरल स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है, लिटिल इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ ये चीज मौजूद है। उसके बारे में अवेयर तो होता है, लेकिन उसको मोटिवेटेड नहीं होता, वो इतना ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता कि उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, आप घर पे बैठी हुई हैं, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकती हैं, आप अपनी अर्निंग कर सकती हैं घर बैठे, या यूट्यूब के चैनल्स के जरिए, वो भी तो पता है ना, यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू भी तो अर्निंग होती है, ये भी पता है ना आपको, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेज में आपके पास सिर्फ उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है, यू आर अवेयर ऑफ इट, बट यू आर नॉट मोटिवेटेड टू सीक फर्दर इंफॉर्मेशन। आपको उसके बारे में पता है, लेकिन आपने उसके बारे में डिटेल तो नहीं कभी देखी ना, यूट्यूब चैनल कैसे चलता है या ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैसे होती, कभी डिटेल तो नहीं देखी ना आपने, नहीं। तो दैट इज योर अवेयरनेस स्टेज, ठीक है। फंक्शन क्या है अवेयरनेस स्टेज का, इस स्टेज का मकसद क्या है कि लोगों के बारे में, ये स्टेज आगे मजीद स्टेजेस की शुरुआत करेगी। अवेयरनेस स्टेज की वजह से मजीद अगले जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट होंगे। अब ये जो अवेयरनेस स्टेज है कि आपको उस चीज के बारे में एक्सीडेंटली पता चला है, अचानक से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, या तो आपके कोई फ्रेंड पढ़ा रही थी, या कोई रेलिवेंट कोई रिलेटिव जो है वो रिश्तेदार ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर रहा है, या कोई भी आपका जो रिलेटिव है वो इसके जरिए से पढ़ा है, तो आपको जनरली वैसे ही अचानक से उसके बारे में पता चल गया, आपने खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन नहीं की। जब आप उसके बारे में खुद इंफॉर्मेशन लेंगी कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैसे होती है, कौन से ऐसे फोरम्स हैं जो टीचर्स को हायर करते हैं, वो लोग पैसे देते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप किसी ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बारे में आपको पता चला, यूट्यूब चैनल से अर्निंग के बारे में पता चला, तो अब आपका उसके बारे में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अब आप उससे बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हो। इसका मकसद क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट आइडिया और प्रोडक्ट उसको इंक्रीज करते हो। पहले आपके बारे में सिर्फ पता था कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग होती है, अब आप क्या करोगे, अब गूगल पे जाओगी, इस स्टेज पे अगर आप इंटरेस्ट स्टेज पे हो, आप गूगल पे जाके अब आप उसको सर्च करोगी, अच्छा ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्या होती है, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन ट्यूटर को हायर करते हैं, कितने पैसे देते हैं, क्या तरीका है, कितनी पे करते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, किन किन तरीकों से कराया जाएगा। तो ये आपके इंटरेस्ट स्टेज है जिसके अंदर यू गेन, दिस इज अ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इसको स्टेज में कहते हैं, जिसमें आप कहते हैं यू गेन नॉलेज ऑफ नॉलेज कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है, आप बातचीत कैसे करते हैं, ये आपका बिहेवियर है, आप एक्ट कैसे करते हैं, आप सोचते क्या हो, ये आपका बिहेवियर है। तो आपके इस बिहेवियर में से एक चीज के आपने उसके बारे में मालूमात क्या हासिल करनी है, वो इस इंटरेस्ट स्टेज में आ जाता है। आप इसके बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हो, ठीक है, आप उसको जज नहीं कर रहे होते ये चीज खराब है या गलत है, जस्ट गेनिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट इन इंटरेस्ट स्टेज। और इंडिविजुअल जो है वो मोर साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था, ये जो फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो ये जो एडॉप्शन प्रोसेस है दैट इज अ मेंटल प्रोसेस, ठीक है, आपकी दिमाग कैसे इसमें फंक्शन करेगा किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंटरेस्ट स्टेज है ये एक कॉग्निटिव आपका साइकोलॉजी मोर साइकोलो आपका ज्यादा साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। साइकोलॉजी कैसे इन्वॉल्व होगी कि आप उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना शुरू कर देंगे, आप उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन उस आइडिया के बारे में, उस चीज के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, जो उस चीज के बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की है, जो उसके बारे में नॉलेज गेन की है, कहीं कहीं कल्चर क्रिएट्स हर्डल्स, ठीक है, आपकी पर्सनल वैल्यूज और आपका कल्चर, आपकी वैल्यूज क्या है, क्या आप उसके बारे में
पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या आपका कल्चर अलाउ करता है कि आप पर्टिकुलर एनजीओ के पास जाके उनके साथ लिंक हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। तो कल्चर एज वेल एज पर्सनल वैल्यूज अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ नॉलेज गेनिंग एट दिस स्टेज, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने इस इंटरेस्ट स्टेज को बहुत सारे नामों से याद किए, नेम देते हैं, कुछ इसको इंफॉर्मेशन स्टेज कहते हैं, कुछ इसको नॉलेज स्टेज कहते हैं, कुछ इसको जो है वो इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन स्टेज के नाम से समझते हैं। अब थर्ड स्टेज आ गई इवैल्यूएशन स्टेज, पहली को में पता चला, सेकंड में आपने साइकोलॉजी आपका ब्रेन ज्यादा आपने इसको इस्तेमाल किया, उसको यूज किया इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। थर्ड में क्या है, मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। आप आपकी मेंटल एक्सरसाइज कैसे है कि आप उसकी जो ये जो चीज है, ठीक है, उस चीज के साथ आप लिंक करते हो, सोचते हो कि आजकल की सूरत हाल में मुझे उसके साथ क्या फायदा होगा या फ्यूचर में मेरा इस चीज को इस्तेमाल करने का क्या फायदा होगा। नॉलेज गेन कर ली, ठीक है, नॉलेज गेन करने के बाद अब आप ये सोचते हो, आप ये फैसला करते हो, अब आप इस चीज पे आते हो कि अगर मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने की वजह से मुझे क्या फायदा होगा और प्रेजेंट में क्या फायदा होगा, फ्यूचर में क्या फायदा होगा, या अगर इस चीज को इस्तेमाल करने का मुझे पॉसिबल नुकसान क्या हो सकता है। इसको उन्होंने एक नाम दिया मेंटल ट्रायल का, ठीक है। मेंटली आप सोचते हो, ट्राई करते हो कि अगर आपने ट्रायल स्टेज प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकली आप उसको ट्राई करते हो, इसमें आप मेंटली ट्राई कर रहे हो, मेंटली सोच रहे हो कि अगर मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया तो मुझे इसके साथ क्या फायदा होगा, मुझे इसके साथ क्या नुकसान होगा। आप यू ट्राई, यू थिंक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर आप क्या करते हो, देन लेटर ऑन आप फिर फैसला कर लेते हो कि हाँ मैंने इस चीज को इस्तेमाल करना है। इनोवेशन के साथ, ये लोग जनरल बात करते हैं कि इनोवेशन के साथ रिस्क आ जाते हैं, जाहिर सी बात है कोई नई चीज आप इस्तेमाल करने जा रहे हो, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग करने जा रही हैं, आपने यूट्यूब पे चैनल खोलना है, तो उसके साथ रिस्क आते हैं क्योंकि वो नई चीज है, उसका नुकसान हो सकता है आपको। तो वो जो रिस्क की सोच है, उस रिस्क के साथ आप ये फैसला करते हो कि मैंने उस चीज को क्या आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। ज्यादातर आपका ये रिस्क कौन खत्म करता है, आपकी जो सोच है कि मुझे ये रिस्क हो सकता है, आपका कोई पीयर जो आपका करीबी दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, क्लास फेलो होगा, आपका रिलेटिव होगा, ये कोई भी नेबर हो सकता है, वो हो सकता है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग है मौजूद नहीं, आपको तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं, लोग आपको बता रहे होते कि अच्छा हाँ ये करने से आपकी अर्निंग होती है, लेकिन जब तक आपका कोई जानने वाला जिसने उस चीज को ट्राई ना किया हो, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, तब तक आप उसके बारे में फैसला नहीं कर पाते। अगर आपकी कोई फ्रेंड, कोई क्लास फेलो, कोई रिलेटिव अगर ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर रही हो और आपको बताए कि हाँ बहुत बेहतर है, तो तब आप उसको यूज करेंगी ना कि नहीं करेंगी। तो ये क्या है कि इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, एक इंफॉर्मेशन और एडवाइस, नसीहत कि हाँ भाई ऑनलाइन ट्यूटरिंग करो, जब तक आपके आपके करीबी लोगों से नहीं मिलता तब तक आप उस चीज के बारे में ज्यादा इस्तेमाल करने की तरफ राजी नहीं होते। मैस कम्युनिकेशन भी एक मीन है, मतलब मीडिया के जरिए आपको पता चलता है, आपको यूट्यूब के जरिए पता चलता है कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा आप पे जोर नहीं डाल रही होती, इतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस इस तरह से नहीं होता। फिर इन्होंने किस चीज की बात की कि इवैल्यूएशन स्टेज की भी बहुत सारे नाम है, बहुत सारे लोगों ने इसको मुख्तलिफ नामों से कहा है, किसी ने इसको एप्लीकेशन स्टेज कहा है, किसी ने इसको एक्सेप्टेंस स्टेज कहा है, किसी ने इसको इवैल्यूएशन एप्लीकेशन डिसीजन कहा है, किसी ने इसको कन्विक्शन की स्टेज कहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि इस स्टेज के अंदर, इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर आप फेवरेबल और अनफेवरेबल फीलिंग डेवलप करते हो किसी आइडिया के अंदर, कि उस आइडिया से रिलेटेड आप अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का जो रवैया है वो डेवलप करते हो, कि आपको क्या चीज, इंफॉर्मेशन आपने गेन की, ज्यादा आपने उसके ऊपर नॉलेज गेन किया, आपने उसके ऊपर जो है वो अपने पीयर्स से इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, तो वो आपको डिवेलप करता है कि क्या आप ये चीज बेहतर है या नहीं। जब आपको उसके बारे में क्लियर हो जाता है, मेंटल प्रोसेस आपको ये बताता है कि हाँ इस चीज को इस्तेमाल करने से आपको फायदा होगा, तो आप क्या करोगी, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए अप्लाई कर दोगी, ठीक है, एक छोटी सी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर, तो आप अप्लाई कर दोगी, या आप क्या करोगे यूट्यूब के एक छोटी सी कोई वीडियो बना के अपलोड कर दोगी कुकिंग की। तो दैट इज ट्रायल स्टेज, आपने ट्राई करके देखा है। तो ट्रायल स्टेज में क्या होता है कि यूज ऑफ इनोवेशन ऑन स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पे, छोटे स्केल पे आप उन उस इनोवेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो।
फंक्शन क्या है, इसका मकसद क्या है इस ट्रायल स्टेज का, कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, आप शो कर रहे होते हो, अप्लाई कर रहे होते हो उस न्यू आइडिया या इनोवेशन को अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे, थोड़े से स्मॉल स्केल पे, छोटे लेवल पे उसको आप इस्तेमाल करते हैं. इट इज नोन एज अ वैलिडिटी टेस्ट. वैलिडिटी टेस्ट है कि आप उसको टेस्ट करके देखते हो कि अगर मैंने, मुझे ये अच्छी लगेगी, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो ठीक है मैं इसको कंटिन्यू करूंगा. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट मेथड. अब आप इस, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल करना है ना, आपने उसको प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, तो आप क्या करते हो, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हो कि मैंने इसको कैसे चलाना है, मैंने इसको इसके उस ऑनलाइन जो फोरम मौजूद है उस पर अपना, उस पे ऊपर अपना ट्यूटरशिप का जो अकाउंट है वो कैसे बनाना है, मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल, अपनी वीडियोस कैसे बनानी है, अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है, अपना चैनल कैसे बनाना है. तो ट्रायल स्टेज में आप उसके इस्तेमाल के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं. इसके अंदर एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, ठीक है, एक मिनट में बताती हूँ. हाइब्रिड कॉर्न की, हाइब्रिड कॉर्न जैसे हम शुरू से एग्जांपल लेते आ रहे हैं कि वो जब कॉर्न सीड है वो छोटे से एरिया पे कुछ किसानों ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर जब लोगों ने रिजल्ट देखा कि हाँ ये बहुत फायदेमंद है, फिर बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल किया. ठीक है, फिर एक और इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है. फिर इन्होंने बात की हुई है कि जो इनोवेशन की रिजेक्शन है, ठीक है, रिजेक्शन, उसको रिजेक्ट कैसे करेंगे, ये ट्रायल स्टेज पे डिसाइड होता है. अगर वो फायदेमंद होगी वो चीज तो उसको आप कंटिन्यू करते हो इस्तेमाल करना, अगर वो फायदेमंद नहीं होती तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं. रिजल्ट्स ऑफ ट्रायल, ट्रायल का रिजल्ट को इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हो सकता है आपका ट्यूटरशिप का जो अकाउंट है, या ट्यूटरशिप इसलिए अच्छी नहीं जा रही ऑनलाइन कि आपने अपना अकाउंट अट्रैक्टिव ही नहीं बनाया. ठीक है, आपने अपने अकाउंट में इतनी अच्छी डिटेल डाली नहीं है कि आपको स्टूडेंट हायर करे. ठीक है, तो ये ट्रायल स्टेज है. आप उस चीज को इवैल्यूएट कैसे कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो. अगर आप उसको रिजल्ट्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो क्या होगा कि आप उस चीज को इस्तेमाल करना छोड़ दोगे. हो सकता है आपने ड्रायर, आपने जो हेयर स्ट्रेटनर लिया था, वो हेयर स्ट्रेटनर उस टाइम पीरियड में आपने कोई नया हेयर स्ट्रेटनर ट्राई किया, लेकिन हुआ ये कि उन दिनों में आपके जो घर के अंदर जो बिजली थी वो झटके मार रही थी, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही थी, तो आपका नया हेयर स्ट्रेटनर था, आपने उसको ट्राई किया और वो जल गया. ठीक है, आपने फिर क्या इवैल्यूएट किया, आपने ये सोचा कि नहीं भाई ये कंपनी का हेयर ड्रायर ही खराब है. आपने किया, आपने रिजल्ट को गलत इंटरप्रेट किया. असल वजह ये थी कि चूंकि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही थी, इस वजह से वो ड्रायर जो था वो जल गया या उसकी फंक्शनिंग खराब हो गई. तो ट्रायल स्टेज पे किसी भी चीज के बारे में जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट को सही तरीके से इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर नेक्स्ट इन्होंने एडॉप्शन स्टेज आती है. अगर वो आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, आपको बहुत फायदा हो रहा है इसके बारे में, और आपका नुकसान इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो यू विल स्टार्ट एडॉप्टिंग दैट थिंग, दैट आइडिया, दैट प्रोडक्ट, दैट थिंग. आपको वो जो एक जो छोटी सी चीज आपने देखी थी, फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिक आपने ट्राई की थी, या स्मॉल स्केल पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर जाओ ना बाहर बाजार में, तो आप वहां पे जो चाय होती है ना वो टेस्ट करवा रहे होते लोगों को, आपने पहले उसके बारे में सुना था, फिर टीवी पे कमर्शियल देखा उसके बारे में. डिसीजन टू कंटिन्यू यूजिंग दैट प्रोडक्ट, दैट आइडिया, और दैट जो न्यू चीज इनोवेशन आई है, उस इंटरेस्ट में आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की. इवैल्यूएशन स्टेट में आपने उसके फायदा और नुकसान के बारे में जो है वो चीजें, नुकसान के बारे में सोचा. ठीक है, फिर ट्रायल स्टेज में आपने उसको स्मॉल स्केल लेवल पे ट्राई किया. फिफ्थ में आपने अडॉप्शन स्टेज में आपने कंप्लीटली उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, अच्छा, कभी कभी इन्होंने इसकी बात की हुई है, कभी क्या होता है इसके रिजल्ट्स के बारे में कि अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं. ठीक है, आपने सोचा नहीं था, लेकिन जो चीज नई अडॉप्ट हो रही है उसके कभी कभी ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं जो रिजल्ट्स आपने सोचे नहीं थे, कि लो फॉर एग्जाम्पल लोग ने उसको इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लिया कि उसके नुकसान निकलना शुरू हो गए उस इनोवेशन के. उस इनोवेशन पे वो लोग इतना ज्यादा अटैच हो गए कि उनका नुकसान क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल YouTube पे चैनल बनाने पे स्टूडेंट्स इतना ज्यादा लग गए कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को ही इंपॉर्टेंस देना छोड़ दी. दैट वॉज द अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस.